वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल फुजी बिहार। तो अभी शो के उठे हैं और अभी इसका करेंगे होमवर्क। इधर नेक्स्ट सेशन का उठती है ना, भी बज गया 11:00। तुम भी अभी उठी हो बेटा, बकवास नहीं करना है ज्यादा। और ये ना कल लड़का के गेस्ट पहन लिए। ये दीदी नाश्ते में बनाई है पराठा, आलू बीन्स का भुजिया और पनीर का भुजिया। गेट खोलो, गेट खोलो। ठीक है आएंगे दीदी, बाय। तो अभी हो रहा है 9:50 और 10 बजे से मेरा क्लास है। आई एम सुपर लेट, कोई बात नहीं, 5-10 मिनट तो आई कैन मैनेज। आज तो मेरे ब्लॉग में आ गई प्रॉपरली। तो अभी हम लोग जा रहे हैं अपना पार्ट टू का फॉर्म फिल करने क्लास के बाद। हम तो कॉलेज जाएंगे नहीं आज, मेरे को तो कॉलेज से कोई मतलब है नहीं। अपना प्रॉपर आज देख लीजिए, देख लीजिए फिर ये मौका कभी मिले ना मिले, अपना का चेहरा फिर कभी दिखे ना दिखे, तो आज देख लीजिए आप लोग। आज मेरे पार्ट टू का फॉर्म भराएगा, फिर मैं पार्ट टू में एडमिशन हो जाएगा, फिर मेरे पार्ट टू का एग्ज़ाम भी आ जाएगा। बहुत भीड़ है गाइस, हम लोगों को लगा था तुरंत से हो जाएगा क्योंकि आज कल ही होना स्टार्ट हुआ है, लेकिन अभी भी भीड़ हो चुका है तो थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। सुबह सुबह हम आए थे इसलिए मेरा हो गया, सुबह सुबह आई थी तो 5 मिनट में हो गया। अभी एटलीस्ट 10-15 मिनट तो लग ही जाएगा पहुँचते, और जो सारे लोग पहले से इन लोगों का फिर थोड़ा हो गया ना, नहीं अभी टाइम लगेगा। तो फाइनली मेरा एडमिशन हो गया है, पेमेंट हो गया तो एडमिशन भी हो ही जाएगा। जब पार्ट वन के एग्जाम में पास कर गए तो और क्या चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए हमको, हो गया मेरा एडमिशन, मान लिए। अब पार्ट टू का एग्जाम के टाइम देखेंगे कि पार्ट थ्री में एडमिशन होगा। ये है स्वाति, सुमन आप जो इतना भोज खा के आए, अपने इतना भोज समय ले कुछ लेके आए, बहुत ज्यादा खत्म हो गया, तो बहुत लेट से आए हैं, तो हमको यहाँ भोज नहीं खिलाइएगा, खिला देंगे तो वो चाट, ये चाट नहीं खाएंगे, ठीक है चाउमीन भी खिला देंगे, चाट और चाउमीन दोनों खाएंगे, ठीक है ठीक है। ये हमको नहीं बुलाई, बुलाए थे तुमको, बुलाए थे, बहुत दूर था तुम नहीं जा पाए, ठीक है खिला दीजिएगा, भूलिएगा नहीं। ये रूम में चुटकी का, ये अपने गए चले गई थी, ये अभी आई है, कल रात में 2 बजे तुम मिस कर रहे थे। कितने बजे? 2 बजे, अभी तुम रात में 2 बजे ना कुछ किया ना, कब आओगी? 2 बजे क्यों मिस कर रहे थे? नहीं पता, मुझे तुम्हारा याद आ रहा था 2 बजे अचानक से, रात के 2-2 बजे मेरा ख्याल, अच्छी बात नहीं है ये सब, ये ऐसे बिना बताए चली जाती है, बिना मेरे चली जाती है, ऐसे कौन करता है बिना बताए, अभी तो है ना अचानक, तो जाने से पहले बताना चाहिए, इंसान खुद को प्रिपेयर करता है कि भी नहीं रहना, रहूँगी या नहीं एग्जाम तक, इसलिए जाऊँगी एग्जाम के बाद, लॉज छोड़ देंगे। दोपहर में फॉर्म भरा कर आए थे, फिर हम बहुत थक गए थे, पता नहीं क्यों बहुत लो फील हो रहा था तो हम सो गए थे। अभी बज रहा है 7 और हम अभी उठे हैं, खाना ऑर्डर किए, नॉर्मल वेज खाना वो खा लिए, अब मेरे बस करने के लिए कुछ है नहीं तो सोच रहे थोड़ा सा पढ़ लिया जाए। आज का दिन काफ़ी बोरिंग रहा, कुछ भी इंटरेस्टिंग नहीं था, तो अभी थोड़ा सा खाना बचा है उसको हम खा लेते हैं, फिर हम कोशिश करेंगे कि कुछ इंटरेस्टिंग किया जाए। खाना खाया जा चुका है, अब पिया जाएगा कोका कोला। सबसे ज़्यादा तुम ही सुनोगे, मुझे गाली सुनने का आदत है। इस वाला एग्जाम अगर आस पास पड़ा तो आप लेके जाइएगा, क्योंकि 2 दिन, हाँ 2 दिन पेपर है, तो लास्ट वाले दिन पापा आ सकते हैं, आपको चलेंगे कितने। हेलो गाइस देखिए, ये है नया आलू और ये पुराने आलू को भी हम कहने वाले हैं नया आलू जैसा। तो प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है, सबसे पहले क्योंकि ये है चुटकी तो इसका जो ये वाला पोर्शन है इसको चमकाना है, इतना चमकाना है कि इतना चमक चमक के ये लाल जैसा दिखने लगे,
लाल दिखने लगे, लाल जैसा क्या होता है। गाइस ये देखिए, ये देखो अपना मुंह दिखाओ, ये है छोटी आलू। हेलो गाइस, मैं हूँ बड़ी आलू, ये है छोटी आलू और हम दोनों हैं नए आलू। और इस आलू के मौके पे हम लोग एक कविता प्रस्तुत करना चाहते हैं। चलो 1 2 3 आलू कचालू बेटा कहाँ गए थे बंदर की। देख सकते हैं ये जो मेरा फेस पैक है कितना वाटर रेसिस्टेंस है, कितना भी गर्मी हो जाए आपका पैक बिल्कुल नहीं पिघलेगा। ठीक है, बंदर की झोपड़ी कहाँ से है, बंदर बैंगन होता है। बचपन से बंदर ही रहा है क्योंकि हम बचपन से बंदर के आसपास रहे हैं। बैंगन होता है ना, आप लोग बताइए, बैंगन होता है, होता बैंगन है, लेकिन हम बंदर ही बोलेंगे क्योंकि हम बचपन से बंदर ही बोलते आ रहे हैं और अभी हम एक बंदर के पास बैठे हुए हैं तो इसलिए बंदर सही है। गाइस मैं मुंह धो चुकी हूँ और मेरे मुंह में कोई अंतर नहीं लग रहा है, मैं कुछ भी करूँ मेरे मुंह में कोई अंतर नहीं लगता है। तो अब हम कोरियन स्किन रूटीन फॉलो करते हुए ये हम खरीद के लाए टोनर, ब्लू हेवन का रोज वाटर, जो हम एक दिन में अगर आप लोगों को दिख रहा है तो हम एक दिन में इतना यूज़ कर चुके हैं। उसमें बोला गया था कि 7 बार लगाना है टोनर, एक बार सूख जाए तो वापस लगाना है। हम 17 बार लगा चुके हैं इसको एक ही दिन में, ये एक दिन में पूरा खा चुके हैं, लेकिन मेरे मुँह में कोई अंतर नहीं है। ऐसा क्यों? और इसको देख लीजिए आप लोग, इसका सब कुछ सूख गया है लेकिन इसका जो मूंछ के पास वाला एरिया है वो ही नहीं सूख पा रहा है। ये बताना जरूरी था? हाँ बहुत। गाइस कुछ कुछ लड़कियां कितनी सुंदर होती है ना, फेस पैक में भी कितनी सुंदर लग रही है ना। खराब हो जाएगा, लगता है भगवान बहुत क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं, बहुत आराम से बनाए इसको, फुर्सत से बनाए हैं। हॉलीडे पे थे भगवान उस टाइम। यस बस थोड़ा सा दिमाग ही देना, भूल गए, छुट्टी खत्म हो गई उस टाइम।